अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको ईद की बहुत मुबारक। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी? आई होप कि आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और ईद पर खूब इंजॉय किया होगा। ईद मनाने का मज़ा तो पाकिस्तान में आता था। हमारे घर में सबसे पहले कुर्बानी की जाती थी, फिर गोश्त बांटा जाता था, उसके बाद दावत का अहतमाम होता था जिसमें तमाम रिश्तेदार और बहन भाई मिलकर बैठते थे। हम सब मिलकर खूब मस्ती और खूब इंजॉय किया करते थे। यहाँ पर जब भी कोई पाकिस्तानी त्यौहार आता है मैं तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। हस्बैंड और बच्चे तो साथ होते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स और अपने बहन भाई बहुत याद आते हैं। ये संडे नाइट है और मुझे इस कॉर्निश का व्यू बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ पर आती हूँ। मुझे अपने किचन के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉकरी वगैरह देखने आई हूँ। जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर बर्तनों की इतनी वैरायटी मौजूद थी कि मेरे से तो चूज़ करना मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। मुझे ड्रेसेस और जूतों की शॉपिंग से ज़्यादा क्रॉकरी शॉपिंग करना पसंद है। ये सूप बाउल्स देखिए कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मैंने अभी इनको बाय नहीं किया था। ये देखिए जी, जग्स की भी कितनी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखिए प्लेट्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं, हर कलर की और हर तरह की वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। ये छोटे छोटे बाउल्स भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनको हम रायते के लिए, आइसक्रीम के लिए, फ्रूट चाट के लिए और भी बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कैटल्स भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। देखिए टिश्यू बॉक्सेस भी कितने प्यारे प्यारे हैं। मुझे ये पिंक और गोल्डन स्पून्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने इनको लिया इसलिए नहीं कि मैंने पहले भी इस किस्म के स्पून्स लिए थे, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बैंगल्स और ब्रेसलेट्स की भी बहुत वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ से निकलने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई, इसलिए सबसे पहले फिर हम डिनर के लिए चले गए। ये हम दुबई में देसी जायका रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पर तमाम देसी खाने मिलते हैं। काफ़ी दिनों से मुझे दलीम खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी और मुझे देसी जायका की दलीम बहुत पसंद है, इसलिए फिर मैं यहाँ पर स्पेशली दलीम खाने के लिए आई हूँ। हमने चिकन हांडी, दलीम और बिरयानी ऑर्डर की थी और ये तीनों डिशेस ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी।
आप भी अगर दुबई में रहते हैं और आपको देसी खाने खाने का शौक है तो आप यहाँ पर ज़रूर आएं, आपको यकीनन यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत टेस्टी था और हमने बहुत इंजॉय किया। अपनी किचन शॉपिंग में आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने किचन के लिए क्या क्या लिया। सो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यकीनन आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। जी तो फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किचन के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। ये सब सामान मैंने एक जगह से बाय नहीं किया है, जिस जगह से मुझे जो चीज़ पसंद आई बस मैंने ले ली। ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है, ये काफ़ी हैवी है और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं आपको पेपर उतार के दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगता है, ये देखिए। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी डीप है और इसका हैंडल कुछ यूँ है। ये गोल्डन और वाइट में प्लेट्स ली हैं मैंने। इसके किनारों पे ये जो गोल्डन लाइंस हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए फिर मैंने ये वाली प्लेट्स बाय कर ली। ये छोटी प्लेट्स हैं जो कि सालन वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरह की मैंने बड़ी प्लेट्स ली जो कि राइस वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये मैंने एक पिंक कलर की बास्केट ली है। ये मैंने एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र लिया है जिसकी मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है, इसका प्लास्टिक बहुत फाइन है। ये एक मैंने फ्लावर पॉट लिया है किचन काउंटर टॉप के लिए। ये एक और फ्लावर पॉट है, इसमें पिंक रोज़ेस हैं जो कि ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल रियल हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे भी उठा लिया। ये एक सर्विंग डिश ली है मैंने, इसमें पास्ता, डेजर्ट, सैलड कुछ भी सर्व कर सकते हैं। ये 1.3 लीटर की है। ये एक और सर्विंग डिश ली है मैंने, ये स्क्वायर में है। इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये डिश मैंने बेकिंग के लिए ली है, ये काफ़ी बड़े साइज़ की है और इसमें हम बहुत सी चीज़ें बेक कर सकते हैं। ये डिश मुझे बहुत पसंद आई थी, इसकी शेप मुझे बहुत पसंद आई। इसमें हम सैलड भी सर्व कर सकते हैं और रायता भी सर्व कर सकते हैं। ये राइस डालने वाला चम्मच है, इसको मैंने अपनी प्लेट्स के साथ मैच करके लिया था। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, ये डिशेस वॉश करने के लिए, हाथ ख़राब नहीं होते और डिशेस बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाती हैं। ये हेलो किटी वाली आइस क्यूब ट्रे ली है मैंने, इसके पीछे सिलिकॉन लगा है जिससे प्रेस करें तो आइस बहुत इजीली बाहर आ जाती है। सेम इसी तरह की एक मैंने ब्लू में भी ली है। ये सेंटेड कैंडल्स का भी एक पेयर लिया है मैंने। ये एक पिंक में भी मैंने पेयर लिया है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है। ये एक गोल्डन टिश्यू बॉक्स लिया है मैंने। ये एक और टिश्यू बॉक्स लिया है मैंने। ये एक डेकोरेशन पीस लिया मैंने, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अभी मुझे पता नहीं कि मैं इसको कहाँ रखती हूँ।
ये भी बहुत काम की चीज़ है, इससे हम बहुत इजीली कारपेट की सफाई कर सकते हैं। ये ब्रश मैंने कार सीट्स और सोफ़ा सीट्स वगैरह क्लीन करने के लिए लिया है। ये प्यारी सी गोल्डन डायरी मेरी बेटी ने अपने लिए बाय की है। ये सॉस पैन मैंने चाय बनाने के लिए लिया है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये स्पून और फोर्क भी मैंने अपनी प्लेट्स के साथ मैच करके लिए हैं। ये देखिए, ये राजस्थानी टेबल मैट है। मैंने इससे पहले कभी इस किस्म का टेबल मैट बाय नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस किस्म का टेबल मैट बाय किया है। मुझे इसके कलर्स बहुत ही खूबसूरत लगे थे। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी किचन शॉपिंग कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।